क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद जी। तो कैसे झगड़ा हुआ, कैसे मामला? झगड़ा ये था, मैं लखनपुर से आ रहा था, मेरे से पैसे मांग रहे थे कि 100 रुपये दे पाएंगे जी। मैंने दिए नहीं खाने के लिए, तो मैंने भी मैंने दिया मेरे पास। फिर उन्होंने मेरे साथ तपाई करी, एक नीचा घुमाया इसने उंगली में और एक सरिया मारी, फिर मैं ले गया। पुलिस सूचना दी थी, पुलिस की सूचना दी थी, पुलिस आई थी 100 नंबर। आने के बाद में वो ये भाग गए थे। तो आप जानते होंगे आपने? अच्छा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई न हुई तो क्या करो? कार्रवाई न हुई तो क्या करो? कार्रवाई नाम है आपको? मेरा नाम विजय सिंह है। कौन से गांव से? मैं मुबारकपुर से रहने वाला हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना रजपुरा पड़ता है। क्या मामला है जो आपका है? मामला ये है सर, 9 तारीख की शाम को जो है समय लगभग 9 बजे मेरा भाई डेयरी से आ रहा था जी, लखनपुर दूध का काम चल रहा है हमारा। तो जैसे ही वो गाँव में आया तो गाँव में जो है देवराज, वीरेंद्र और जुगल किशोर, इन लोगों ने मेरे भाई को घेर लिया। पहले वीरेंद्र ने 100 रुपये मांगे थे, वो नशा में था, 100 रुपये मेरे भाई ने नहीं दिए। तो देवराज जो है क्या उससे लड़ गया। देवराज जब उससे लड़ गया तो ये चारों लोग उसको पीटने लगे। देवराज ने उसके चाकू मारा, वीरेंद्र ने लोहे की सरिया से वार किया, वो इतना मारा कि वो मरणासन्न अवस्था में कर दिया। उसके बाद जब मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि आपके भाई को ऐसे ऐसे पड़ा है, वहाँ पर जो है बेहोश कर दिया, मैं वहाँ पर पहुँचा। मैंने 112 डायल नंबर फोन दिया, पुलिस आई वहाँ पे। पुलिस आरोपियों के घर पे गई थी, एक उसमें जो है क्या जुगल किशोर घर पे मिला था। पुलिस ने उसको खाली ये कह करके कि सुबह जो है क्या थाने में आया ना, ये कह करके छोड़ दिया उसके लिए। हमसे कहा आप जा करके अपनी थाने रिपोर्ट लिखवाओ। मैं रात के 9 बजे ही थाने चल पड़ा, तभी मेरी उसने थाने में जा करके उन्होंने मेडिकल के लिए पर्चा बनाया कि आप अपना मेडिकल कराओ, उसके बाद हम आपकी FIR करा देंगे। मेडिकल कराने के बाद मेरा दो तीन दिन में मेडिकल पहुंचा। मैं यहाँ जाता हूँ तो SO साहब कहते हैं कि आपकी विवेचना चौकी इंचार्ज साहब को दे दी गई है, पहले जांच करा लें दो मामला क्या है। अब चौकी इंचार्ज के पास गया मैं तो वो कहले मुझसे पहले से ही क्यों नहीं मिला। जब मुझे टाइम ही नहीं मिला, 2-3 दिन से मैं मेडिकल कराने गया, मेरे भाई भी बेहोश अवस्था में था, तो मैं कहाँ से मिल लेता हूँ उनसे? अब कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। चौकी इंचार्ज जी कहते हैं कि ये जो है घोटाला पड़ा है, चौकी इंचार्ज की मुझे मिली भगत मालूम पड़ रही है इसमें, और कुछ स्थानीय लोगों की इसमें मिली भगत है। मैं सरकार से तथा उच्च अधिकारियों से यह आग्रह करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे मुझे प्राण त्याग में पड़ा था। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।